आ रहा हूं अधर्म का विध्वंस करने। प्रभास सैफ अली खान और कृति सेनन की मोस्ट अवेटेड फिल्म आदि पुरुष का टीजर रिलीज हो गया है। इस टीजर का इंतजार फैंस को लंबे समय से था, लेकिन टीजर आने के बाद फैंस का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। इसकी वजह है फिल्म में इस्तेमाल हुआ खराब VFX और सैफ अली खान का लुक। फिल्म की पहली झलक में भगवान राम के अवतार में प्रभास तो ठीक लग रहे हैं, मगर रावण के रूप में दर्शकों को अभिनेता सैफ अली खान का लुक बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। VFX और सैफ अली खान का लुक देखते ही लोगों ने टीजर को ट्रोल करना शुरू कर दिया। मेकर्स ने फिल्म का टीजर और ग्रैंड पोस्टर भगवान राम की नगरी अयोध्या में जारी किया है। प्रभास और कृति सेनन के साथ फिल्म की पूरी टीम अयोध्या पहुंची, जहां मेकर्स ने आदि पुरुष का टीजर लॉन्च किया। फिल्म की कहानी की बात करें तो आदि पुरुष महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण से इंस्पायर्ड है। फिल्म 7000 साल पहले सेट की गई है। टीजर वीडियो की शुरुआत बैकग्राउंड में प्रभास की आवाज और उनके राम अवतार VFX के साथ होती है। धस जाए ये धरती या चटक जाए आकाश, न्याय के हाथों होकर रहेगा अन्याय का सर्वनाश। टीजर के अंत में जय श्री राम के जयकारे की गूंज सुनाई देती है। इस फिल्म में सैफ अली खान दशानन यानी रावण बने हैं, वहीं कृति सेनन माता सीता के रूप में नजर आई हैं। 12 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली फिल्म आदि पुरुष हिंदी और तेलुगु में बनाई गई है, मगर इसे हिंदी तेलुगु के अलावा तमिल, मलयालम, कन्नड़ जैसी अन्य भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा। खैर, आपको इस फिल्म का टीजर कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं।